देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में 9 और 10 अगस्त को झमाझम बारिश के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार 8 अगस्त को मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। विभाग ने मंगलवार को राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश में 11 और 12 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश की वजह से प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है। हालांकि प्रदेश में 15 अगस्त के बाद ही बारिश की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल और ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। माझा, दोआबा और पूर्वी मालवा क्षेत्र के 17 जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 9 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान एडवाइजरी जारी कर सावधानी से वाहन चलाने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने, जल स्रोतों के पास न जाने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा है। पंजाब के कुछ इलाकों में आज बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटियाला, नाभा, राजपुरा, डेरा बस्ती, फतेहगढ़ साहिब, बटाला, डेरा नानक, दसुआ, मुकेरिया, गुरदासपुर, पठानकोट में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और उसके आसपास के कई इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश होगी। बिहार, उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय नागालैंड मणिपुर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 9 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 6 से 9 अगस्त के बीच 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 8 अगस्त तक भारी बारिश होगी। इसके साथ ही पंजाब, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश में दिनों अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही, कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल रही। मानसून की बारिश ने आम जनता को उमस और गर्मी से राहत दे दी है। आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला कुछ ऐसे ही जारी रहने वाला है। किसी जिले में बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी तो किसी जिले में सिर्फ नाम मात्र की बौछार पड़ेंगी। मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जगहों पर बहुत तेज बारिश होने का अलर्ट है। 8 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी में इस दौरान अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो भी सकती है। इस अवधि में पूर्वी यूपी में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना है। पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थान पर तेज बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। VDS.com अमर उजाला, अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।